हाय फ्रेंड्स, मैं निकिता। आज मैं आपको बताऊंगी, किसी भी स्वेटर में दो से अधिक अगर आप ऊन के गोले लगाए हो तो उसे कैसे रखकर बुनेंगे ताकि बुनने में आसानी हो और वे आपस में उलझे भी नहीं। क्योंकि अधिकतर बच्चों की खूबसूरत स्वेटर दो तीन कलर्स को मिलाकर ही बनते हैं, लेकिन बुनते वक्त ऊन आपस में काफ़ी उलझ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दो कलर से इस स्वेटर को बना रही हूँ, जिसमें दोनों ओर रेड कलर है और बीच में वाइट है। तो इसके लिए मैं रेड के एक गोले को इस तरफ लगाई हूँ और बीच में मैं वाइट कलर लगाई हूँ, और इधर वाले रेड में एक अलग गोला लगाई हूँ रेड का। तो तीन तरफ ये तीन गोले लगाए हैं ताकि उनको पास ना करना पड़े, क्योंकि स्वेटर बुनते वक्त पीछे की ओर से अगर धागा पास होता है तो वो काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है पहनने में, और उसमें स्ट्रेचेबल भी नहीं होता है वो। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बुनती हूँ अगर एक से अधिक गोला उसमें लगा हो। एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये काफ़ी आरामदायक होती है बुनते वक्त। ये एक बच्चे की स्वेटर बना रही हूँ। इसमें डिज़ाइन को सेट करने के बाद इसकी भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। इसमें बीच में मैं स्ट्रॉबेरी पैटर्न डालूँगी, जो स्ट्रॉबेरी रेड कलर की होगी और बैकग्राउंड इसका बीच का वाइट कलर है। अब यहाँ पर देखिए, इन तीन गोलों को मैं कैसे रखती हूँ। मुझे ये तरीका काफ़ी आसान लगता है। यहाँ पर मैं पॉली बैग का यूज़ करूँगी, अगर आपके पास कोई भी छोटा सा बैग हो तो भी चलेगा। सबसे पहले एक गोले को डालकर इसे हल्के हाथों से बांध लेंगे ताकि ये गोला बाहर भी ना आए और इसमें से बुनते वक्त ऊन आसानी से निकल सके। ये देखिए, जितना भी आप खींचेंगे ये बाहर की ओर आएगा। ये दूसरे गोले को दूसरे पॉली बैग में डालेंगे पहले, इसके बाद बीच वाले गोले को या किसी भी एक गोले को डालें, लेकिन अच्छे से सुलझा के डालें उसे। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा उलझा हुआ है, लेकिन मैं इसे अच्छे तरीके से पहले सुलझा लूँगी, फिर इसे पॉली बैग में डालकर उसी ढंग से इसे बांध लेते हैं। ये छोटी छोटे टिप्स हैं, लेकिन काफ़ी काम के होते हैं। अब ये थर्ड पॉली बैग में बीच का वाइट वाला गोला रखेंगे और इसे भी हल्के हाथ से इस ढंग से बांध लेते हैं। अब इन तीनों पॉली बैग को किसी एक बैग में डाल दें, या अगर बैग ना हो तो एक पॉली बैग में ही डाल लें। इन तीनों को भी एक पॉली बैग में एक साथ डाल देंगे। और उसे भी उसी ढंग से बांध लेते हैं। तीनों ऊन को एक जगह रखकर इसे हल्के हाथ से बांध लेंगे। अब ये तीनों आपस में बिल्कुल ही नहीं उलझेंगे, और बुनते वक्त जब आप इसे खींचेंगे तो ये आराम से ये निकलती है। इस ढंग से देख लीजिए, इसलिए आप एक से अधिक, दो हो, चार हो, कितने भी कलर आप यूज़ करें, अगर इस ढंग से आप उसे अरेंज करके रखते हैं तो ये काफ़ी आराम होती है बुनने में। अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।